हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एडर। देखिए, आपने सुना होगा फर्स्ट एड के बारे में कि हम जब भी कोई भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो हम उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं जल्द से जल्द, है ना। अब जो फर्स्ट एडर रहता है, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा आपको, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये हम आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्स्ट एड लेना, फर्स्ट एड का होना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो फर्स्ट एडर है, जो भी आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, उसको क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उसके जो किसी कोई पेशेंट है उसको कैसे टैकल करना है, उसको क्या इंजरी हुई है, किस तरीके की एक्सीडेंट हुआ है उसका, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर वो क्या करेगा, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एडर को ये सब पता होना चाहिए कि होने वाला जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो किस रीज़न से हुआ था, ठीक है, उसकी इंजरी कैसी है, वो उसको मतलब एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या उसके मेन पॉइंट ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा कोई भी, अगर कोई भी जैसे किसी को चोट लगी है, मान लीजिए आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे तो आप उसी बेसिस पे तो कर पाएंगे ना, जब उसे आपको पता हो कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसी चोट लगी हुई है, है ना। तो जो फर्स्ट एडर जो प्रोवाइड करता है, उसे फर्स्ट एडर जो कहा जाता है जिसको कि, तो वही सारी चीज़ें उसके ऊपर बता रहे हैं इस वीडियो में कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और वो क्या क्या करता है, मतलब उसको कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होना चाहिए एज अ फर्स्ट एडर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसको क्विकली सिचुएशन हैंडलर होना चाहिए। इससे पहले तो जैसे भी कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है तो उसको तुरंत ही रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तुरंत रिस्पॉन्स करने के बाद उसको सिचुएशन को भी हैंडल करना है, साथ ही इस तरीके का कॉल करना, उसे इस तरीके से अप्रोप्रिएट कॉल करना है जिससे कि नेक्स्ट हेल्प मिल सके, ठीक है। उसे आइडेंटिफाई करना है इंजरी लेवल, ठीक है, इलनेस क्या है, इफेक्टेड एरिया कौन सा है उसका, जो भी कैजुअलिटी है उसको, उसका जहाँ भी वो इफेक्टेड हुआ है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उसे किस तरीके से फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है, उसे सब सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। जल्द से जल्द उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए जितने जल्दी आप उसको, जैसे कि जो भी कैजुअलिटी है उसको जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, जितना जल्दी उसको प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, या जब जहाँ भी हॉस्पिटल या कहीं भी आप ले जाते हैं, जितना जल्दी आप पहुँचाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो फर्स्ट एडर की एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्डिंग हो, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद सारी उसकी रिपोर्ट्स होगी कि मतलब किस तरीके से इनको इंजरी हुई थी, ठीक है, किस एरिया, कौन सा एरिया इफेक्टेड है उनका, ये सारी चीज़ें उसके पास इंफॉर्मेशन में रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एडर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उसको कैजुअलिटी को ढंग से, मतलब ठीक से हैंडल करना है, सेफली उसे एरिया में, वो जो भी एरिया मतलब हॉस्पिटल में या जहाँ भी वो लेके जा रहा है उसको, वहाँ तक उसे सेफली पहुँचाना है, ठीक है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो है उसकी हेल्प करनी है, जो भी कैजुअलिटी है उसकी, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैजुअलिटी की अगर हम बात करें तो उसे इस तरीके से इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है कि मतलब अगर कोई भी इंजरी हुई है तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक वो ठीक से रह सके, ठीक है। उसे कोई डिले नहीं करना है, उसको इस तरीके से कॉलिंग नंबर्स उसके पास होते हैं कि वो तुरंत डॉक्टर, हॉस्पिटल या उसके घर तक ही कॉल लगा दे, ठीक है, सीरियस कंडीशन अगर होती है तो, ठीक है। उसे जो भी, उसे पूरा मेंटेनेंस देखना है, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड उसका चेक करना होता है, ताकि देखिए सबसे पहले तो उसने फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद उसने कॉल लगाया, ठीक है, हॉस्पिटल में या डॉक्टर को या उसके घर में जहाँ भी उसने कॉल लगाया, उसके बाद अब क्या करना है उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि इसको कैसे चोट लगी थी, ठीक है। अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ है या कहीं इंडस्ट्री में हुआ है तो पता लगाना है कि हमें कि एक्सीडेंट किस किन रीज़न से हुआ था, ठीक है, एक्सीडेंट का होने का रीज़न क्या था और किस तरीके से उन्हें चोट लगी थी, ये भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे कि किसी, मान लीजिए लोहे से अगर चोट लगी है तो उसके अकॉर्डिंग उसके इंजेक्शन्स वगैरह उसको प्रोवाइड किए जाएंगे जब भी वो हॉस्पिटल जाता है,
तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी इंजरी का पता चलता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ से लगने वाली चोट, जो चोट लगी है वो किस चीज़ से लगी है उसे, है ना। उसी के अकॉर्डिंग तो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह और उसका जो भी ट्रीटमेंट है। तो पूरी रिपोर्ट वो कलेक्ट करेगा फर्स्ट एडर जो भी है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था और कौन सा एरिया उसके अफेक्टेड है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट एडर की ड्यूटीज़ यही रहती हैं कि उसको कैजुअलिटी जो रहती है, जो भी पेशेंट है, उसको ठीक से फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, उसकी ठीक से मदद करना, उसको सही इलाज तक, उसके ट्रीटमेंट तक पहुँचाना। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया, फर्स्ट एडर के बारे में भी बताया कि फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी, किसी को भी चोट लगती है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो भी प्रोवाइड करने वाला था उसे फर्स्ट एडर बोला जाता है। तो फर्स्ट एडर को भी थोड़ा सा मतलब अटेंशन पे करना चाहिए और थोड़ा सा मतलब कि सिस्टमैटिक वे में उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए, क्विकली रिस्पॉन्स करना चाहिए। इस तरीके से होने वाला जो भी एक्सीडेंट है उसे वो बैलेंस में ला सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट एडर के बारे में बताया। सो थैंक यू।